जी गोस्वामी जी, इस निधिवन के बारे में क्या खासियत है उसके बारे में आप बताएं। यहाँ जो बताया जाता है बांके बिहारी जी डेली आते हैं, क्या ये सच है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, सच है। निधिवन एक बहुत बड़ी एक विख्यात जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, आज एक भजन स्थली है जी। निधिवन एक खजाना होता है जी। यहाँ स्वामी हरिदास जी ने अपने भजन से भजन करा तो बांके बिहारी जी स्वयं गोदी में आके बैठ गए थे जी। स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार थे, ललिता सखी को बाएँ हाथ से रानी ने प्रकट किया था जी। दूसरा जन्म स्वामी हरदास जी ने लिया। स्वामी हरदास जी तानसेन बैजू आवरा के गुरु थे जी। हाँ, संगीत के सम्राट थे जी। हाँ, तो यहाँ इनसे मिलने अकबर भी आया है यहाँ पर निधिवन में। अच्छा। और यहाँ आज भी नित्य रास होता है, भगवान रात को रास करते हैं। जितने भी वृक्ष हैं ये सब गोपी का रूप है, रात को गोपी बनते हैं। जितने भी वृक्ष हैं गोपी का रूप ले लेते हैं रात में। रात में ले लेते हैं। इनकी जड़ें, इनके जो पेड़ हैं सब खोखले हैं, हरियाली आपको सब पर मिलेगी। पेड़ खोखले हैं और हरियाली सब पर है। हाँ, और ये जो पेड़ हैं सीधे कोई खड़ा नहीं है, सब जमीन को नमन करते हैं। और यहाँ पर जो रंग महल है वहाँ पर रात को जो रास होता है ना, उसके लिए हम सैया लगा के जाते हैं। अच्छा। पान दातुन श्रृंगार का सामान सब कुछ सजा के जाते हैं। सुबह माँ अवश्य कुछ ना कुछ मिलता है, चिन्ह मिलते हैं देखने को, चिन्ह मिलते हैं। बिहारी जी आए थे यहाँ, रास किया था। बिल्कुल मिलते हैं। और जितने भी आप बंदर देख रहे हैं ना, शाम को 7 बजे के बाद एक भी बंदर निधिवन के अंदर नहर नहीं आएगा। अच्छा, जितने बंदर यहाँ पर हैं शाम को 7 बजे के बाद बंदर भी नहर नहीं आएगा। अच्छा, मैंने सुना था शाम को 7 बजे के बाद यहाँ चींटियाँ भी नजर नहीं आती हैं। नहीं, चींटी तो रहती हैं, चींटियों का क्या है। चींटी ये, हाँ, चींटी वगैरह तो ये सांप है, चींटियाँ इनकी तो धरती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे बताते हैं महाराज जी, यहाँ पे जो आसपास में जो निधिवन के घर हैं उनकी जो खिड़कियाँ हैं, खिड़की बंद हो जाती है। और काफ़ी चैनल वाले ऊपर छत पे भी रहे हैं। अच्छा, रात में रहे सब लोग। हाँ, चैनल वालों ने ऊपर छत पे से भी वो करा है, रिसर्च किया। हाँ। अच्छा, नासा के बारे में बताया था, नासा ने कुछ रिसर्च किया, किस तरह से की थी। निधिवन नासा के नाम से डाली आप। अच्छा, उन्हें भी सत्य पाया है कि यहाँ भगवान आज भी आते हैं। आज भी आते हैं। अच्छा, उन्हें रिसर्च की थी तो उन्हें क्या पाया गया था यहाँ पर, कोई उनके कैमरा में कुछ ऐसा कैद हुआ? नहीं, वो उनने जो अपना रिसर्च करा ये लिखा है कि यार आज भी भगवान आते हैं उनका है। अच्छा, यहाँ पर डाल के देखना, यहाँ पर जो 7 ताले लगाए जाते हैं। हाँ। वो किस तरह से लगाए जाते हैं उनके बारे में बताएं। 7 ताले रंगमल में लगाए जाते हैं, रंगबेर में लगाए जाते हैं, बंद करते हैं 7 ताले लगा के बंद करते हैं। अच्छा, और सुबह खोलते हैं 7 तालों को। हाँ। खोलने के बाद में सब कुछ बिखरा मिलता है हम लोगों को, बिखरा मिलता है। जैसा कि दर्शकों, आप लोगों को आपने सुना भी होगा, बताया भी होगा, हमने अभी भिकचंद गोस्वामी से बात की तो गोस्वामी जी ने भी हमें ये बताया कि ये एकदम सत्य है, यहाँ नासा ने भी रिसर्च किया ऐसा भी गोस्वामी जी ने बताया, और बहुत चैनल वालों ने भी यहाँ रात पर रुक कर रिसर्च किया, लेकिन जो भी है ये एकदम सत्य है। यहाँ रुक के नहीं, ऊपर छत पर बैठ के, ऊपर छत पर रुक के। हाँ, निधिवन में अंदर ही तो छत। नहीं नहीं, पड़ोसियों। अच्छा, पड़ोसियों की छत पर बैठ के उन्होंने रिसर्च किया है, लेकिन जो भी है सत्य पाया गया है। सत्य पाया गया। दर्शकों, आप लोग हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।